सबसे पहले मैं अपने गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी के चरणों में कोटसा नमन करती हूँ, और इस कंपनी के मालिक परम सभ्य परम आदरणीय श्री अभिमन्यु यादव जी के चरणों में कोटसा नमन करती हूँ। और एक कैसेट हरिओम म्यूजिक कंपनी से आप लोगों के बीच में जा रही है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। हारमोनियम पे संगत कर रहे परम सभ्य परम आदरणीय बहुत ही सुंदर वादक बाल मुकुंद यादव जी, ढोलक से संगत कर रहे आदरणीय आप अनिल भाई जी, कोरस में आप धर्मेंद्र भाई और धर्मदेव भाई, आप सभी का मैं इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत वंदनीय अभिनंदन करती हूँ। कहना है कोनो लड़का कोनो लड़की के सुगराई देख के कलस मास्टर साहब बतावत है। सज धज के मेकअप करके सज धज के मेकअप करके सुघर लागलू, लेकिन में सब कासे सुपर लागलू, सज धज के मेकअप करके सुघर लागलू, लेकिन में सब कासे सुपर लागलू, कि जब महरी एलू जब महरी के तिरछी नजरिया हो हसल करा, क्या बात है, जब महरी के तिरछी नजरिया हो हसल करा, भूमिका के अंदर कवि जी भाव दिए हैं क्या? निर्दयी नीच नादान नापाक सुन पाक कहने में तुझको है आती शरम, अपनी आदत से ना बाज आओगे जो चूर कर देंगे हम तेरा घर वित भरम, शांति के साथ क्रांति भी हम जानते, और खेलना बंद कर मेरे जज्बात से, खाके सौगंध कहते तिरंगे थी हम, तुम तो वाकिफ हो खुद मेरी औकात से,
कवि जी ने लिखा है कि निर्दयी नीच नादान ना पाक सुन। तो दोस्तों एक खुदा का दिया हुआ पाक नाम है, इसके मतलब होता है पवित्र। लेकिन ए पाकिस्तान, नाम तुम्हारा है पाक और काम नापाक करते हो, तो अपनी आदत से बाज आ जाओ। क्योंकि मेरी औकात क्या है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जितनी जितनी तुम्हारे देश की जनसंख्या है ना, उतना तो हमरे यहाँ राम रहीम आसाराम बापू को चेला हुवन। अगर इन हनिन के छूट दे दिहल जा तो मरिया सारे तोने का रेप करके मुआ ढरियन, फौजिन भाईन के लड़ने का जरूरत ना पड़ी। तो ए पाकिस्तान पर हुकूमत करने वालों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी औकात क्या है हम तुम्हें अभी बताते हैं गजल का अंदाज मा मास्टर। कैसे कोनो लड़की कोनो लड़का के आवारापन देख के कहले बा, कैसे हो कैसे बेशर्म आशिक है ए आज के, आशिक है ए आज के, इनको अपना बनाना गजब विधा गया। लेकिन कवि जी कितना सुंदर भाव और पाकिस्तान वालन के लिए चेतावनी भरे लहजे में कहे हैं क्या कि यार तेरी औकात क्या है, हो तेरी औकात क्या है दिखा देंगे हम, दिखा देंगे हम आँख तेरा दिखाना गजब भिड़ा गया।
औकात क्या है दिखा देंगे हम, आंख तेरा दिखाना गजब खा गया इट से इट, हो इट से इट तेरी बचा देंगे हम। बजा देंगे हम कुछ को सिर पे बिठाना गजब बिठा गया, क्या बात है जिया। पाकिस्तान वालों को चेतावनी है कि ये गद्दार पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना छोड़ दे, क्योंकि कश्मीर भारत के जिगर का टुकड़ा था, है और रहेगा। तुम भूल जाते हो तो हार तुम्हारी ही होती है, लेकिन अगर भूल गए हो तो हम तुम्हें अच्छी तरह से याद दिला दे रहे हैं। कैसे? जौहरी शहर का अंदाज बा। सन 65 और 71 ही कारगिल में तू था हारा, तेरी हरकत का पापी अब होगा वारा न्यारा। उत्तर प्रदेश बादाह में है एक गांव है न रही नामी, थे वही के रहने वाले दीपक यह दोस्त नामी। सुत सुघर सलोना रंजनी हो गया फौज में भर्ती, लमहर छर हर यर फर हर चीता के जैसी फुर्ती। झांसी मौरानी पुरकी कंचन संग ब्याह रचाया, छिड़ गया जंग सरहद पर घर पर परवाना आया। यहीं से कहानी का शुरुआत होत बा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के अंदर एक ठे गांव पड़ेला जौने गांव का नाम बतावल गई नरही, वही नरही कर रहे वाला दीपक यादव जो एक किसान थे, उनके गोद में भगवान तीन ठे औलाद दहले रहलन, दुई लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का का नाम रहल रंजन, जौन बचपन से उनकर सपना रहल कि हम बड़ा हो के बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर के अपने देश को सेवा करब, फौज में भर्ती हो। अरे बाबू, रंजन का सपना साकार भइल, फौज को नौकरी पा गइलन, ड्यूटी करत हुवन। आ देखा जब केहू अच्छे ओहदे पर हो जाला मास्टर साहब तो ओकर शादी बदे बढ़िया बढ़िया रिश्ता भी आवे लगेला। एक दिन पिता दीपक यादव अपने बेटा रंजन के ड्यूटी के दौरान फोन कैलन कि बेटा तोहर शादी झांसी मऊरानीपुर के कंचन नाम के लड़की से तय हो गई बा, छुट्टी लेके चलिया बा। अरे बाबू, रंजन 2 महीना का छुट्टी लेके घरे अलन, खुशी खुशी शादी संपन्न भइल। लेकिन शादी के 5वें दिन बाद सरहदे हिंद से ये खबर आ गई कि सभी जवानों की छुट्टी निरस्त कर दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया है। अरे बाबू, रंजन फौजी लगना तैयारी करे व सरहद पर जाए बदे, देखा वो 5 दिन का दुल्हन आई, झटके में देखलस कैसन हमार सैया वर्दी वर्दी कसत हुवन, जाके कलस की कहीं
मतलब तैयारी बा सरहद पे गईले का ओहो इतना जल्दी कलन? हाँ खबर आ गई बा जनता बाड़ू की फौजिन के जिंदगी देश के नाम लिखाइल बा, तो उनकर एक पैर घरे रहेला और एक पैर सरहद पर रहेला। कलस की सैया आप 2 महीना के छुट्टी से आयल रहा, फिर 5 दिन के मुलाकात में इतना जल्दी कैसे छुट्टी निरस्त हो गई? वाह रे रंजन फौजी, अपने दुल्हन के चेहरा अपने हाथ में लेके बड़ा प्रेम से समझावत हुआ और उनके आँख में अपने दुल्हन के आँख में आंसू देख के एक ठे बात कहलन। कवन बात? गीत बदल गई। कोनो लड़का कोनो लड़की के मचलत जवानी देख के का कहले बा कि अरे रतिया करानी तुहार, रतिया करानी तुहार, हाई काहे जवानी जोशी आइल रहता। लेकिन भाव बा अशुआ से रानी तुहर काहे के आंख बढ़ी आइल रहता। रंजन फौजी कहत हुवन अशुआ से रानी तुहर काहे के आंख बढ़ी आइल रहता। तो दुल्हिन कहत बा खुशहाल खुशहाल कैसे रहिए पल हम हो कि मन भब राइल रहता। रहिए पलम हो कि मन भग राहिल रहता। एक बात और कहलन, जीवन जवानी हमर देशवा कधन हो, दिनवा बितैहा गोरी रही के मगन हो। तुहार हरदम तोहरे के जंग अड़ियाइल रहता। सेनुरा तुहार हरदम तोहरे के जंग अड़ियाइल रहता। खुशहाल कैसे रहिए पलम हो कि मन भब राहिल रहता। अरे बाबू, रंजन फौजी अपना दुल्हन से कहलन कि सुना प्रिय तोहके छुट्टी का चिंता बा, लेकिन हमें ए देश का चिंता बा। सुना जौने दिन ई स्टार आ टोपी मिल जाला ना, वही दिन ई जान ई जवानी ए देश के नाम लिखा जाला। अरे तुम्हें तो फख्र होना चाहिए।
कि तुम्हारे मांग का सिंदूर इस वतन की रखवाली करता है, लेकिन प्रेम में डूबी उस दुल्हन को बात समझ में नहीं आती है। तब रंजन फौजी अपनी दुल्हन को डांट कर कहता है, क्या कि ना कैद मोहब्बत में होकर, अरे ना कैद मोहब्बत में होकर एक कायर जैसा काम करो। तुम एक फौजी की दुल्हन हो, आंसू से ना बदनाम करो। सिंदूर से बढ़कर सरहद है, अरे सिंदूर से बढ़कर सरहद है, सरहद से जुदा सिंदूर नहीं। तेरे पहलू में पड़ा रहे एक फौजी को मंजूर नहीं। इतनी बात सुन के कंचन दुल्हन अवाक। थोड़ी देर के बाद कलश की, स्वामी मुझे माफ कीजिए, मैं भूल गई थी एक पल के लिए कि आप इस देश के लिए बने हो। बस हम आपका आरती उतार ले, आप शौक से सरहदे हिंद पजा। रंजन मुस्कुरा देहलन, कलन अच्छा ही बतावा, हम वापस लौट के आई तो तुहरे लिए का लेके आई। कंचन दुल्हन कलश जवन मांगब तवन देबा, तवन लिए बा। कलन अरे पागल, मांग के तो देखा, तो देखिए वो दुल्हन कंचन, एक दुल्हन के दिल के उद्गार को देखिए। अपने फौजी पति से क्या मांगती है, गीत बदल गई। यहां देखा कौनो दुल्हन का दुल्हा, यहू जमाने में भक्चोर निकल गई। कहो सुहागरात को के पता है ना, बेचारी चढ़ल जवानी लेके एकदम परेशान बा। कहलस का कि अरे पहली रात पायल दुर्ला दूसरी रात बाली हो, आई तीसरी रात झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो। और नहीं हर अपना देह ओ रहना राजा जी, नहीं हर अपना देह ओ रहना राजा जी। मजा मारे में दुर्ला हो, मजा मारे में दुर्ला नए मए गहनवा राजा जी। लेकिन देखिए वो दुल्हन क्या मांगती है। अम्मा जी के साड़ी चाहिए, बाबूजी के घड़ी हो, कि स्वामी हमार सिंदूर सरहद से सही सलामत वापस आ जा, ऐसे ज्यादा हम का मांग सकीला। रंजन कहलन बड़ा अनमोल तोहफा मंगलू है, और पूरे परिवार गांव जवान से जब विदा लेके चलन तो अंतरा में कहनाम बा।
सीधा कैले गाँव वीर पढ़ल अगाड़ी इष्ट सहना से चली भैली गाड़ी भरल ले सिंदूर भरल ले सरहद से सिंहरवा राजा जी क्या बात है भैया अरे बाबू यहाँ की बात यही छोड़े उधर जवान सरहद पर पहुंचता है ड्यूटी लग जाती है ड्यूटी करता है लेकिन खुफिया विभाग से पता चला कि कुछ आतंकवादी बंकरों में छुपे हुए हैं। जब ये खबर रंजन फौजी के लगल बाबू अपन सेना सजा के और दुश्मन की तरफ चल देले बात भइल का भाव लगल कि अरे बम से उड़ा दिया कि बम से उड़ा दिया हाय बंकरी को नहरी बम से उड़ा दिया हाय बंकरी को नहरी अरे लेके जवानन का टोली हो छूटे लागल तनादन बोली हो छूट लागल ध्वस्त करके बंकरों को नष्ट करके जवान सब जब वापस आते हैं तो देखते क्या हैं कि अरे वापस जवान आइले रंजन ना आइले अब भइल शहीद सब लोग घबराइले देशवा धरतिया पर हाय देश के जवनवा देशवा धरतिया पर देश के जवनवा अरे खेल दैना खुनवा होली हो छूटे लागल दना दन गोली हो सभी जवान वापस आए लेकिन रंजन का कहीं पता नहीं चला न रंजन मिला न रंजन की लाश मिली। हार मानकर भारत सरकार रंजन को मृत घोषित कर दिया कि रंजन फौजी शहीद हो गए हैं। उनकी पुरानी वर्दी और टोपी उनके घर भिजवा दिए। जब पूरा परिवार के बाबू ई मातम खबर मिलल बा तो जैसे लगल पूरा परिवार के ऊपर पहाड़ टूट गई। काहे ना हो खे बाबू अगर केहू के परिवार का कमाशुत आदमी ये दुनिया से चल जाता ओ परिवार पर का बीती।
जब ई बतिया के 5 दिन का आयल दुल्हन कंचन के पता चलल आ जब अपने सैया अपने फौजी पिया का वर्दिया या टोपिया देखलस तो हथवा में लेके आ रो रो के एक ठे बात कहलस। कवन बात? गीत बदल गई। दर्ज बड़ी पुरानी बा लेकिन कहा भाव छुपलवा में कि अरे बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बनला पियावा मोर। लेकिन बाबू वो दुल्हन जब अपने फौजी पिया का वर्दी टोपी देखलस तक रो रो के कहत बाका कि हमरे सैया हो हमरे सैया हो हम लगा के गैला कवनीदार हमरे सैया हो बतावत बा कि पेट के अंदर पलत बा हमरे सुनिला प्यार तुहार पैदा होई जब हमसे पूछी पापा कहाँ हमार कि हमरे सैया हो हमरे सैया हो कोख का हमरे तुवर भैया दुलार हमरे सैया हो दुल्हन रो रो के उ टोपिया वर्दिया लेके कहत बा कि स्वामी आप 5 दिन के मुलाकात में आपके प्यार का निशानी हमरे पेट में पल रहल बा अबहिन इस संसार में भी नाही आइल ओकरे पहलवा अनाथ हो गई अगर इस संसार में आई जब एकर पैदाइश होई हमसे पूछी कि मम्मी हमार पापा के बा हमार पापा कहाँ हुवन तो हम कवन जवाब देव हो राम। अरे बाप रे बाप इतना कही कि धड़ से बेहोश होके गिर गई। जब होश आयल बा तो अपना सासू माई के आंचल में मुंह छुपा के रो रहल बा आ रो रो के एक ठे बात का लश्का रोवे आ भागिन धई के सासु कया चरिया भैया सासु कया चरिया हो फूटल करमावा मार जी कि जिंदगी बिरान भैली बिना रे से नूरवा माई बिना रे से नूरवा हो नैया का टूटल पता वार जी 10 लाख रुपया मिली मिलली खबरिया भैया मिलली खबरिया हो दीपक के पाप भैसा वार जी
ए बाबू, सरकार ने घोषणा किया कि शहीद फौजी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जब ये बात का पता रंजन के पिता दीपक यादव के लगल, तब बाबू उनके अंदर लालच एवं पाप समा गई। सोचत हुन कि अगर ये 10 लाख रुपया लेके हमार पतोहिया फरार हो जाई तब तो बड़ा अनर्थ हो जाई। ये तो वह कहावत हो गई कि बेटौओ हाथ से गई और रुपया हाथ से गई। तो देखिए वो पैसे का लोभी ससुर दीपक यादव करता क्या है तेरी में भाव लगल। कि अरे पापी के पागल भैले मनवा कि सवारी अरे पापी के पागल भैले मनवा निष्ठुर नीच ससुर के तनिक मोहना लागल। निष्ठुर नीच ससुर के तनिक मोह ना लागल, पापी के पागल भैले मनवा। का कैलस दीपक यादव ससुर एक दिन रात के समय जब सब केहू खा पी के सूत जलाए बाबू, आधी रात का वो गद्दार कंचन के पास पहुंचल और अपने हाथ से ओकरे गर्दन के दबावे लगल। जब कंचन का नींद खुलल बाबू, कंचन रो रो के कह रहल बा कि बाबूजी हमार जान काहे मारत है, हमार गलती कौन बा। रो रो के कैसे कहत बा, गीत बदल गई। कि अरे गंगा जी कै गंगा जी कै ऊंची बा अररियानु हो जेह पर बैठे भगवान। लेकिन वो कंचन दुल्हन अपने जान का भीख अपना ससुर से मांगत बा। का कहलक कि अरे जिंदा बा जिंदा बा हमारी मौरियानु हो बाबू बिनती हमार। कहलस कि हमरा के चाही नहीं अरे अनधन सोनवा आहोते भोरे चली जाइबा छोड़ी के भवनवा। नैहरे में खेबा उमरियानु हो बाबू बिनती हमार। अरे बाबू रो रो के कंचन कह रहल बा कि बाबूजी हमार जान मत मारा, हमके रुपया पैसा ना चाहिए, हमार जान छोड़ दा, हम कल सबेर होता अपन नैहर चल जाइब ई घर छोड़ के, वही अपन जिंदगी बिताई, कबो आपके दरवाजे पे ना आई बाबूजी, हमार जान मत मारा। लेकिन वाह रे पैसे का लोभी कमीना ससुर दीपक नहीं मानता है और करता क्या है भपट में। बनल बहु के कातिल ससुर गुमनिया पनिया बरसेला। अरे बनल बहु के कातिल ससुर गुमनिया पनिया बरसेला आ पुल से फेंका गंगा में अभिमनिया पनिया बरसेला। Yeah.
बाबू ओ कमीना ससुर नहीं माना, आखिर उस बेचारी कंचन की गर्दन को दबा ही दिया। कंचन बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में पूरा परिवार मिलकर गंगा नदी में ले जाकर उसको फेंक देते हैं। यहाँ की बात यहीं छोड़े। धीरे धीरे वक्त गुजरत बा और वक्त बीतत बीतत 20 साल का वक्त निकल गई। तो 20 साल के बाद भइल का कि अरे 20 साल के बाद में रंजन पाक से घर आइले हो और सब आइल कंचन ना आइली नैना रटन लगवले हो। अरे बाबू उधर रंजन पाकिस्तानी कैद से जब अपने बांदा जिला के नरही गांव में आइल बा तो पूरा गांव में एक खुशहाली बा कि रंजन जिंदा हुवन। घर पहुंचलन पूरा परिवार भी खुश बा कि हमार बेटा जिंदा हुवन। लेकिन आवाग भी हुवन कि भारत सरकार कुछ और कहले रहल है। सब लोग जुटल बा, सबके आंख में खुशी के आंसू बा, लेकिन रंजन के नजर तक के हुआ और के ढूंढत बा। जब कंचन के ना देखलन तो कहलन का हमरे अइले का जानकारी कंचन के ना है का। जब इतनी बात रंजन का पिता दीपक यादव सुनलन तो कहलन किए बेटा ओकरे हाल पूछत हुआ, ओकरे बारे में जनबा कि वो कवन गुल खिला के गइल बा तो तुहरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाई। का कहलन कि अरे मौत का तुहरे पाके खबर पपिनिया पनिया बरसेला, मौत का तुहरे पाके खबर पपिनिया पनिया बरसेला, केहू साथ ले भागल सोना चनिया पनिया बरसेला। दीपक कहलन कि बेटा जब तुहरे मौत का खबर सुनलस त तुहरे तेरही तक का भी इंतजार ना कैलस और का कैलस कि 10 लाख रुपया आ जितना गहना जेवर जेवरात रहल सब के लेके और कौनो अपने आशिक के साथे फरार हो गई। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया रंजन फौजी सुनलन हो बाबू सच में जैसे लगल कि करेजवा फट जाई, जैसे लगल सच में कि पैर के नीचे से जमी खिसक जाई। सुजत हुवन वाह रे जमाना, वाह रे दुनिया का विश्वास और वाह रे पति पत्नी का विश्वास। केहू केकरो पर कैसे भरोसा करे, केहू लौके भरोसा के लायक नहीं। तो कहलन का सोचत बाड़न का कहलन अरे यही देशवा में हो, यही देशवा में हो सावित्री सीता रहली भैया, धर्म का पता का गईली जग में फहराय, धर्म का पता का गईली जग में फहराय, धर्म का पता का गईली जग में फहराय। उर्मिला जी जो है कहिया आई हमर सजनवा सैया, चौदह साल थाल में यार पिया सजाय, चौदह साल थाल में यार पिया सजाय, चौदह साल थाल में यार पिया सजाय। बचल कुछ न से सभेस भइल जोगिया कह बाबू,
ए बाबू यह कुल सोच के रंजन का मन दुखित हो गई। दुनिया के मोह माया से रंजन का मन भंग हो गई और घर द्वार छोड़ देता है। दाढ़ी जटा बढ़ाकर जोगी बन जाता है। जोगी बन के भिक्षा मांगने लगा और एक दिन घूमते घूमते पहुंचा कहां? घूमत घूमत आईला पर यहां गदरा मनावा कुंभ का नहान करब दिल में गहिलाया अरे रे लवे लाइन पर बाला बिहल चाहे जनावा दौड़ करके जोगी लिया जनावा बचा। ए बाबू 2019 का कुंभ प्रयाग में लगा था। रंजन के मन में आयल की कुंभ का स्नान कर ले। स्नान करके रेलवे लाइन पकड़ के चला जा रहा है। तब तक देखता है कि एक नौजवान लड़की रेल की पटरी पर खड़ी अपनी जान को देना चाहती है और सामने से रेल आ रही है। तब तक रंजन की नजर पड़ी और दौड़ करके देखिए उस रंजन जोगी के अंदर फौजी भाव जाग गई और जा करके उस लड़की के बांह को खींच करके और एक चादर जोरदार उसके गाल पे मारा और कहा कि अरे पागल लड़की क्यों अपनी जान देना चाहती है। लड़की रोवे लगल कलस की बाबा हम काहे बचौला छोड़ दा हम ना जियल चाहते हम मैं मर जाएगा। जोगी रंजन कलन बेटा बात क्या है बताओ क्यों मरना चाहती हो आखिर तुम्हारी जिंदगी में क्या कष्ट है। तब रो रो के वो लड़की बतावे लगल कि बाबा जानल चाहत हुआ कि हम काहे अपन जान दे थे तो सुना हमार मम्मी बतावे ली कि जब हम अपने मम्मी के पेट में रहली हमार पापा एक फौजी रहलन जेकर नाम रंजन रहल सरहद पर शहीद हो गइलन हुनकर लसियो ना मिलल। भारत सरकार घोषणा कर देहलस कि शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जब ये बतिया के हमार दादा जेकर नाम दीपक यादव रहल जौन बांदा जिला के नरही गांव का रहे वाला रहलन जब उनके ये मालूम पड़ल तो 10 लाख रुपया के लेके उनके अंदर लालच समा गई और रुका कैलन कि हमरे मम्मी का गला दबा के ले जा के नदी में फेंक देलन। लेकिन भगवान का महिमा देखा ओ नदी में कुछ मल्लाह मछरी मारत रहलन और जाके हमरे मम्मी के बचा लेलन अपने गांव लेके गईलन हमार मम्मी का इलाज करौलन मम्मी हमार ठीक हो गईली। धीरे धीरे समय बीतल वो मल्लाहन के बीच में झोपड़पट्टी डाल के हमार मम्मी रहे लगली। कुछ दिन के बाद हम पैदा भेली सयान भेली शादी करे लाग भेली शादी भी तय हो गई। लेकिन जौने दिन बारात आवे वाली रहल ना बाबा तब बरतिया ये कही के लौटा दियल गई कि हम क्यों क्यों ना जायज औलाद है हम क्यों का ना जायज औलाद है। तो बाबा एमे हमार और हमरे मम्मी का का गलती बा बाबा एमे हम जान ना दे तक का करी। अरे बाप रे बाप जब ये तनी बतिया रंजन सुनलस आवाक आंखों से आंसू छलक पड़ा सोचने लगा कि वाह वाह हमार बाबूजी हमसे कितनी बड़ी गद्दारी कैलन हमसे कितना बड़ा झूठ बोलन। आंसू पोछ के कहने लगा कि अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम कंचन तो नहीं? वो लड़की कलस की हाँ बाबा हमरे मम्मी का नाम कंचन ही बा लेकिन ये बतिया आपके कैसे पता बा। तब ओ जोगी कहने लगा कि मैं तुम्हारी मम्मी का नाम कैसे जानता हूँ जानना चाहोगी तो ले चलो मुझे अपने घर तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अहे बाबू वो लड़की का कैलस ओ जोगी के अपने घर लेके आई बा
कलश की बाबा यही झोपड़ी में बैठा हमार मम्मी केहू के घरे मजदूरी करत हुईन जात हई बोला के लिया थी। उ लड़की चल देहलस अपना मम्मी के बुलावे आ इधर रंजन जोगी सरंगी लेले हुवन और भजन गावत हुवन याद करत हुवन कि जब हम फौजी रहले जब हम सरहद पर ड्यूटी बदे जात रहले तो हमार दुलहिन हमसे कहा मंगले रहली यह सोच सोच के रोवत हुवन आ कहत हुवन कैसे यह कहलन कि अरे अम्मा जी के साड़ी चाहिए बाबूजी के घड़ी हो आ देवर के मोबाइल चाहिए ननदी के कड़ी हो लेकिन हमरा खातिर तने बा निहोरवा राजा जी यह न मंगले रली कि हमरा खातिर तने बा निहोरवा राजा जी सिंदूर भरल ले आइहा सिंदूर भरल ले आइहा सरहद से सिमोरवा राजा जी। अरे बाप रे बाप जब ये भतिया कंचन के कान में पहुंचल केहू के घर में बाबू मजदूरी करत रहली दौड़ के पगलाइल भागल एली और रंजन के जोगी भेष में देख के पहचान गेली रंजन से लिपट के रोवे लगली खली की स्वामी कहाँ रहला है इतना दिन। अरे बाबू आज 20-22 साल के बिछड़े हुए दो दाम्पत्य 20-22 साल के बाद जब मिले तो अश्कों की धारा बह निकली इतना रोए कि सारा गम आंसुओं में बह गया। तब तक उ लड़की जौने का नाम रिंकी रहल माई के खोज के आयल माई के पैबा ना कैलस आयल देखलस कि माई केहू से लिपट के रोवत बा जाके कलस की मम्मी देखिला तू जेही के होला वही से अपन दुख रोवे लगेलू अभी जोगी बाबा हमने के का दुख कटिहन जब विधाता हमने के तकदीर में दुख लिखी देले हुआ। इतनी बतिया सुन के कंचन आस पोस के कलस की बेटा ये कौन जोगी ना रे बेटी ये जानल चाहत हो के बा कैसे कहलस खड़ी में भावा कि अरे जी भर के तू लेवे दा जी भर के तू लेवे दा निहार बिटिया जी भर के तू लेवे दा निहार बिटिया त जोगी भेसवा में बाबूजी तू हार बिटिया कलस की बेटी जेके तू जोगी मानत हो जोगी ना बेटी वो जोगी ना रे पगली वह तोर फौजी बाप रंजन हुवन। अरे बाप जब इतनी बतिया कंचन सुनलस जाके अपने पिता के गले से लग के झरझर झरझर रोवे लगल और कहत बाका कि अरे पापा पापा कही के रिंकी लगी के रोवे सिनेमा अरे रंजन और कंचन का भी परसेला नयनवा अरे सब ही आइल बादा के बाजार बिटिया त जोगी भेसवा में
बाबूजी तुहार बिटिया। अरे बाबू, अपने बेटी अपने बेटी और अपने पत्नी के बाके रंजन बड़ा खुश भेलन। सोचत हुवन कि कुंभ नहैले का फल भगवान हमें तत्काल दे दिहलन। यही लिए कहल जाला कि जे सच्चे मन से भगवान का भक्ति करेला ओके निश्चित ही ओकर बढ़िया फल मिलेला। का कैलन अपन पत्नी और अपन बेटी के लेके अपने बांदा जिला नरही गांव में पहुंचलन। पूरा गांव देखत बा, सब अपने में गुसमुसाहट बतियावत बा कि ई दीपक कहत रहल ह कि पतोहिया हमार कौनो के लेके फरार हो गइल बा। तब बतावा जे भाग जाई तो मुश्किल ह कि आवे। का कैलन जब घरे पहुंचलन पूरा परिवार रंजन के देख के तो खुश भइल, लेकिन कंचन के देख के आवाक। कलन अरे ई जिंदा बा के तो हमने मार देले रहली ह। रंजन अपने पिता और अपने परिवार का हालत देख के भाप गेलन उनके दिल का हाल। कलन आप लोग आश्चर्य में मत पड़ा, आप लोग चिंता मत करा, हम आप लोगन से कौनो शिकायत ना करब। लेकिन हमरे दिल का एक ठे सवाल बा। कवन सवाल? कि दशरथ जी राम खातिर अरे देई दिहल जनवा, अरे पैसा तो दे बाबू अपन खो दिहला आई मनवा। हाई सर्विस का भी पैसा बा तुहार बिटिया, तो जोगी भेसवा में बाबूजी तुहार बिटिया। रंजन कहलन कि बाबूजी एक ठे उहो पिता रहलन राजा दशरथ, जे अपने बेटा राम के 14 वर्ष के वनवास के गम में अपन प्राण त्याग दहलन। और एक ठे तू पिता हुआ जौन पैसा के लालच में पैसा के खातिर अपन खून से गद्दारी कैला। फिर 10 लाख रुपया कोने और की बात, हाय हमरे सर्विस कभी पैसा रखला कुछ ना हमके चाही। अहे बाबू, जब इतनी बात दीपक यादव सुनलन उनके अपनी गलती पर पछतावा होत बा। पछतावा की याद में रोवत हुवन, जलत हुवन, पश्चाताप करत हुवन, कहत हुवन कि बेटा माफ कर दा हमके, बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। रंजन कलन ना बाबूजी, वैसे भी हमने तुहरे बदे मर चुकल लली हैं, अब हमने यहाँ ना रह। हाई पैसा ला हमरे सर्विस का, हाई जितना जमीन जायदाद हमरे हक हिस्सा का जौन घर रल यहू के लेला हम ना रह यहाँ। दीपक लाख गिड़गिड़ात हमन रोवत हमन, लेकिन रंजन मानने को तैयार नहीं है। देखत देखत नार रही गई कंचन दुल्हन के। जाके रंजन से कलस अपने पति से कि कहो तुहरे शरम ना लगत या, एक ठे पिता होके तुहरे पैर पर गिर के माफी मांगत हुवन अपने गलती का, गिड़गिड़ात हुवन और तू कैसन बेटा हुआ कि देखत हुआ। जाके अपने ससुर के आंख से आंसू पोछ के कलस की बाबूजी रोवा मत, उ मान जइहन, हमने कहीं ना जाल जाई आपके छोड़ के। अहे बाबू, इतनिया बतिया सुन के दीपक फफक के रो पड़लन और कलन की बेटी हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी गलती तो माफी के लायक नहीं है। जब हाथ पतोही के आगे जोड़लन झट से हाथ पकड़ लेलस कंचन कलस ना बाबूजी, एक ठे बाप अपने बेटी के आगे हाथ जोड़ाई बड़ा शर्म का बात बा। देखिए ओ दुल्हन फिर से उस परिवार को एक करके और वो परिवार खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। यही कहानी विराम लेती है लास्ट लाइन में कहना बा। कि गुरु बिहारी गुरु गणेश हो गया जमाना कैसा, अरे कभी चंद्र
का रामदेव सब कुछ ना होता पैसा। अरे पापी का पागल भैले मरवा, भाई पापी का पागल भैले मरवा, सुषमा सुबेदार मर बिरहा में अनुरागल।